हेलो स्टूडेंट्स, मैं भानु प्रताप सिंह। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर, सिंगल परचेज विंच क्रैप और डबल परचेज विंच क्रैप सिलेबस में है, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास सिलेबस था नहीं, क्योंकि कॉलेज बंद है तो बुक और सिलेबस सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, मैंने देखा भी नहीं सिलेबस। फिर भी बच्चे ने सिलेबस का स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने देखा उसमें सिंगल परचेज और डबल परचेज विंच क्रैप था। और एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर, जैसा कि आप हर चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो इस चैप्टर से भी दे दीजिए, वीडियोस में ही दे दीजिए या जैसे भी पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिंगल परचेज विंच क्रैप और डबल परचेज विंच क्रैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंगल परचेज विंच क्रैप की हिंदी क्या होगी? तो विंच क्रैप मीन्स केकड़ा, तो हिंदी तो इसकी लिखा है कि एकल परचेज मीन्स खरीद लेती है, विंच क्रैब मीन्स केकड़ा। तो वो जानना नहीं है, खाल सिंगर विंच क्रैब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गियर इस्तेमाल होते हैं। दो गियर हैं, एक पिनियन और एक गियर। इसको मेन गियर, स्पर गियर भी कहते हैं, और ये पिनियन होता है। जो पिनियन होता है वो साइज़ में छोटा होता है, और जो इस गियर होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। मतलब पिनियन के सरफेस पे, सतह पे, और T2 जो है, नंबर ऑफ टीथ है पिनियन का, तो जो T2 होगा वो T1 से कम होगा, क्योंकि पिनियन में जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो स्पर गियर की तुलना में बहुत कम होंगे, इसीलिए T2 इज लेस देन T1। T2 की साइज छोटी होगी, सरकमफेरेंस छोटा होगा, कम होगा, नंबर ऑफ टीथ कम होंगे। T1 स्पर गियर है, इस पिनियन की तुलना में बड़ा होगा, इसके सरकमफेरेंस पे नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होंगे। खैर, नामकरण देख लेते हैं इसका। सबसे पहले बेस होता है, ये हमारा स्पर गियर है, मेन गियर है, और ये हमारा पिनियन या फिर छोटा गियर है। ये पिनियन जिस एक्सल या शाफ्ट पे लगा, इसको हम एक्सल कह देंगे, इसको हम एक्सल कह देंगे, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम एक्सल कह देंगे, शाफ्ट एक्सल। तो ये जो पिनियन जिस एक्सल पे लगा, उसी एक्सल या शाफ्ट पे हमारा ये फोर्ट व्हील भी लगा, प्रयास पहिया भी लगा है। तो इफोट व्हील के सरकमफ्रेंस पे हम धागे लपेटे हुए हैं, जिसके द्वारा हम प्रयास पी नीचे की तरफ लगाते हैं। वी वाउंड द थ्रेड ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द इफोट व्हील एंड वी अप्लाइड द इफोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चाहे आप प्रयास धागे को खींच करके मैनुअली या फिर कुछ बार रख करके लगा सकते हैं। प्रयास जो एल है, यहाँ पे हैंडल होगा, हैंडल को मैंने अलग से दिखाया, अभी बता दूंगा। फिलहाल हैंडल की जो लंबाई है वो एल है, लेंथ ऑफ द हैंडल है, और कैपिटल डी डाया ऑफ द इफोट व्हील, प्रयास पहिए का ब्यास है। चलिए, तो हैंडल को अलग से देखते हैं। यहाँ हैंडल लगा होगा, ये जो एल है हैंडल की लंबाई है, लेंथ ऑफ द हैंडल है, और ये हमारा हैंडल है जिसकी मदद से हम लपेटते हैं, मतलब जिसकी वजह से इफोट अप्लाई देते हैं, तो ये रोटेट होता है निकालने के लिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसलिए। अच्छा, अब क्या है, तो आप प्रयास चाहें तो हैंडल से भी दे सकते हैं, या फिर आप प्रयास चाहें तो इस थ्रेड से भी दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ द व्हील होगा, तो लेंथ ऑफ द हैंडल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इफोट व्हील। हम जो हत्थे की लंबाई है वही प्रयास पहिए की त्रिज्या होगी, इसका मतलब कि जो ब्यास होगा वो 2 गुना होगा हत्थे की लंबाई के। डाया ऑफ द इफोट व्हील इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द हैंडल। चलिए, अब इस जैसे ही प्रयास नीचे की तरफ इस धागे को खींचेंगे, वैसे ही ये पहिया रोटेट होगा, तो प्रयास द्वारा कितनी चली दूरी होगी इस पहिए की परिधि, अगर एक चक्कर हम पूरा घुमाते हैं तो, यानी 2 पाई L, या कह लूँ π×d, या कह लूँ 2 पाई R। R क्या होगा? L इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द व्हील। चले, अब देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको इफोट को नीचे की तरफ लगाएंगे, ये एक टर्न अगर लेगा तो सेम एक्सल या शाफ्ट पे है, तो ये पिनियन भी एक चक्कर घूमेगा। जब पिनियन एक चक्कर घूमेगा तो ये स्पर गियर को भी घुमाएगा। अब एक चीज़ और, ये पिनियन साइज में बहुत छोटा है, गियर साइज में बहुत बड़ा है, तो पिनियन का एक चक्कर गियर का कितना चक्कर होगा वो कैसे पता करेंगे? तो वो हो जाएगा T2/T1, मतलब कि ये इसका कितना चक्कर, मान लीजिए T2 3 चक्कर चल रहा है, पिनियन 3 चक्कर चल रहा है, लेट द पिनियन रिवॉल्व 3 टाइम्स, मान लीजिए पिनियन 3 चक्कर चल रहा है,
तो ये एक चक्कर चल रहा है, तो कितना दूरी चलेगा T2 by T1, तो वही देख लेते हैं हम कितना ये छोटा है ये बड़ा है। तो T2 T1 से मेस है, तो जब ये हम पहिए को रोटेट करा रहे हैं, ये रोटेट हो रही है शाफ्ट, इस शाफ्ट पिनियन लगा, पिनियन भी रोटेट हो रहा है। जब पिनियन रोटेट हो रहा है तो ये गियर स्पर गियर या मेन गियर को भी रोटेट करा रहा है। अब मेन गियर स्पर गियर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है लोड ड्रम, मतलब भार का ड्रम जिस पे हम भार लगा रहे हैं। इस भार ड्रम पे धागे लपेटे हुए हैं, जब ये रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, तो इस पे जो भार है ऊपर की तरफ लपेटेगा, मतलब जो ये थ्रेड है ऊपर की तरफ इसमें वाउंड होगी, रैप अप होगी, लपेटेगी, भार ऊपर की तरफ मूव करेगा, गति करेगा। तो मान लेते हैं जो स्मॉल डी है वो लोड ड्रम का व्यास है, और जो कैपिटल डी है वो प्रयास पहिए का व्यास है। तो देखते हैं क्या होगा। तो प्रयास द्वारा चली दूरी क्या होगी, तो प्रयास द्वारा चली दूरी कौन सी दूरी चल रहा है, ये मान लीजिए एक चक्कर हम ये धागे को नीचे की तरफ अगर पुल करें, खींचें, तो ये एक चक्कर गति करेगा, तो यानी 2πL या 2πR या π×d, तीनों बातें बराबर है। अच्छा, अब अगर हम एक चक्कर घूमेगा तो ये पिनियन भी एक चक्कर घूमेगा क्योंकि सेम शाफ्ट पे है। तो जब ये एक चक्कर घूमेगा, इसको कितना चक्कर घुमा रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। तो प्रयास द्वारा चली दूरी तो क्लियर है कि 2πR, 2πL या π×d, लेकिन भार द्वारा कितनी चली दूरी होगी, तो भार कितना होगा इसकी परिधि पर जितना मतलब होगा। तो परिधि पर मान लीजिए अगर ये एक चक्कर लपेटता है तो ये कितना चक्कर होगा वो बाद में देखेंगे। अगर मान लेते हैं ये एक चक्कर पहले लपेटता है तो कितना लपेटेगा, इसकी परिधि मतलब लोड ड्रम की सरकमफ्रेंस तो कितना होगा, π×d। लेकिन क्योंकि ये एक चक्कर घूम रहा है तो ये पिनियन है, पिनियन एक चक्कर घूम रहा है, तो ये मेन गियर है स्पर गियर को एक चक्कर नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, ये ज़्यादा रिवॉल्व करेगा ये कम करेगा, मे भी ये 3 या 4 रिवॉल्यूशन हो तो इसका एक रिवॉल्यूशन हो। तो कैसे निकालेंगे, तो T2 by T1 से गुणा कर देंगे इन दोनों के रेशियो से। देखिए जरा अब एक अनुपात, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, हमेशा जानते हैं डिस्टेंस मूव बाई फोर्स अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड, प्रयास द्वारा चली दूरी और भार द्वारा चली दूरी का अनुपात ही वेग अनुपात होता है, वेलोसिटी रेशियो होती है। तो प्रयास द्वारा हमारी दूरी कितनी चली है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस मूव बाई फोर्स, प्रयास द्वारा कितनी दूरी चल रहे हैं हम, तो बताया डिस्टेंस मूव बाई फोर्स 2πR कह लीजिए, π×d कह लीजिए, या डी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2L, और 2πR है ये 2πR, तो या तो π×d और डी की जगह 2L, यानी 2πL। डिस्टेंस मूव बाई लोड, भार द्वारा चली दूरी कितनी होगी, तो π×d देख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा π×d, एक सरकमफ्रेंस अगर एक चक्कर घूमता है तो, क्योंकि ये एक चक्कर तो घूमेगा नहीं ऑब्वियसली, पिनियन का 3 4 चक्कर, इसका एक चक्कर होगा, तो T2 by T1 से गुणा कर देंगे भार द्वारा चली दूरी T2 by T1, ये रेशियो मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना चल रहा है तो ये कितना चक्कर ले रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, इसके नंबर ऑफ टीथ कितना है, डिस्टेंस मतलब कितने नंबर ऑफ टीथ का रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, π×d डिस्टेंस मूव बाई फोर्ट है, और π×d T2 upon T1 है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, d upon d, और ये ऊपर जाएगा तो T1 upon T2, तो ये आ जाएगा हमारा वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, अगर मान लेते हैं इफिशियंसी 100% है, मतलब क्या वो मशीन आइडियल है, तो आइडियल के केस में क्या होगा, तो आइडियल के केस में इफिशियंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो, यांत्रिक लाभ बराबर, सॉरी, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। तो अगर ये 100% है, मतलब 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि हम लिखे हैं मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के अगर इक्वल है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो वेलोसिटी रेशियो होगी मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होगी, और ये हो जाएगा कैपिटल डी इंटू T1 upon d × T2, यही चीज़ें हमने लिखी। तो ये हमारा सिंगल परचेज विंच क्रैब है। डबल परचेज विंच क्रैब में होता क्या है, तो डबल परचेज विंच क्रैब में बस एक चीज़ ऐड हो जाती है कि जो नंबर ऑफ गियर्स हैं वो दो दो में हैं, मतलब दो सेट में हैं, देख लेते हैं उनको भी। चलिए अच्छा देखते हैं डबल परचेज विंच क्रैब। तो डबल परचेज विंच क्रैब का क्या होगा, नॉमन क्लेचर देखते हैं, नामकरण तो होगा पहले की तरह, बस इसमें दो सेट ऑफ गियर होंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी भी ये प्रयास व्हील है, इफोर्ट व्हील है, जिसका व्यास कैपिटल डी, तो इसमें एक हैंडल भी होगा, हैंडल मतलब हेड था,
तो हैंडल की लेंथ क्या होगी, कैपिटल एल, मतलब डी इज इक्वल टू अगेन 2 L होगा, और स्मॉल ये लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्रम व्हील। ठीक है, इस व्हील में, इस पहिए में हम धागे लपेटे रहेंगे जिससे प्रयास हमें नीचे की तरफ लगाना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और भार ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम इस व्हील का जो शाफ्ट है वो इस पिनियन जिस पे T4 नंबर ऑफ टीथ है लगे हैं, ये इसकी जो रोटेशन होगी, मतलब अगर ये सेम शाफ्ट में व्हील और पिनियन T4 लगा, जिसको हम इफोर्ट एक्सल, प्रयास धुरी या इफोर्ट शाफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, जब ये व्हील रोटेट होगा, इफोर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे, ये एक चक्कर घूमेगा, तो ये सेम शाफ्ट से जुड़ा है तो पिनियन यानी जिस पे T4 नंबर ऑफ टीथ है ये भी एक चक्कर घूमेगा, ये एक चक्कर घूमेगा, तो ये इस पर सी, इसको मान लीजिए डी, मैंने ना कहीं दी, ठीक, पिनियन डी वाला टर्म, तो जिस पर T4 है नंबर ऑफ टीथ है, ये इस पर सी, मतलब कैपिटल सी नाम दिया है ABCD, इस पर सी को एक चक्कर नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि जब एक चक्कर घूमेगा, पिनियन छोटा है गियर बड़ा है, तो मे बी ये 3 4 चक्कर घूमे तो एक चक्कर घुमाएगा, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मेस है, मतलब सी और डी, मतलब पिनियन टी जिस पर नंबर ऑफ टीथ T4 है, इस पर जिस पर नंबर ऑफ टीथ T3 है, एक दूसरे को घुमा रहा है। ठीक, अब ये जो इस पर सी है जिस पे नंबर ऑफ टीथ T3 है, ये इस इंटरमीडिएट शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, इस इंटरमीडिएट शाफ्ट पर ये इस पर सी और पिनियन बी, ये वाला जो पिनियन आपको दिख रहा है, ये वाला पिनियन बी जुड़ा हुआ है, मतलब इस पर सी और पिनियन बी, इस पर सी पे T3 नंबर ऑफ टीथ है, पिनियन बी पर T2 नंबर ऑफ टीथ है, जुड़ा हुआ है, एक ही शाफ्ट में है, तो जब ये रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट होगा, अब ये रोटेट होगा तो ये जुड़ा हुआ है, मिसिंग है इस पर गियर ए से, तो इस पिनियन बी इस पर ए से मेस है, इस पर ए पर नंबर ऑफ टीथ T1 है, तो जब पिनियन बी रोटेट होगा तो ये मेस है इस पर ए से, ये इसको इस पर गियर ए को रोटेट कराएगा, इस पर गियर ए पर लगाया लोड ड्रम, भार ड्रम, जिसमें हम धागे से या रस्सी से बांधे हुए हैं, कुछ भार लटकाए हुए हैं, तो जब ये रोटेट होगा तो ये भार को ऊपर की तरफ गति कराएगा, मतलब लोड लिफ्ट होगी, भार ऊपर उठेगा। तो जैसे ही हैंडल घुमाएंगे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे ही हैंडल घुमाएंगे मतलब क्या करेंगे, हैंडल घुमाया, इफोर्ट लगाए नीचे की तरफ, प्रयास पी नीचे की तरफ, ये एक चक्कर घूमेगा, ये पिनियन T4 को घुमाएगा एक चक्कर, ये इससे में से ये T3 को टर्न कराएगा, रोटेट कराएगा, ये दोनों एक ही शाफ्ट में है, तो T3 रोटेट होगा तो T2 भी रोटेट होगा, T2 रोटेट कराएगा T1 को, क्योंकि T2 और T1 यानी बी और इस पिनियन बी और इस पर ए में से, ए से जुड़ा हुआ है हमारा लोड ड्रम, लोड ड्रम भार को ऊपर की तरफ उठाएगा, इसको इंटरमीडिएट एक्सल भी कहते हैं, इंटरमीडिएट शाफ्ट कह लीजिए, एक्सल कह लीजिए। तब इस केस में क्या होगा, वही चीजें फिर से हैं, तो देखते हैं वेग अनुपात क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो होती है, एक सेकंड बस फिट कर दो, ओके, तो डिस्टेंस मूव बाई इफोर्ट, प्रयास द्वारा चली दूरी कितनी होगी, तो अगेन वही यानी 2 पाई, ये व्हील का रेडियस 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस ले रहे हैं व्हील की परिधि, क्योंकि एक चक्कर घूमेगा तो धागा एक चक्कर घूमेगा तो उसकी परिधि ही होगी, 2 पाई आर ही होगा, पाई इंटू डी या 2 पाई एल कह लूँ, ये 2 पाई एल भी हो जाएगा क्योंकि आर इज इक्वल टू एल है। और डिस्टेंस मूव बाई लोड, भार द्वारा चली दूरी कितनी होगी, तो भार अब कितना दूरी चल रहा है, पहले वाले केस में हम पाई इंटू डी करते थे, मतलब ये एक सरकमफ्रेंस चलेगा, लेकिन ये एक चक्कर चल रहा है तो मुझे नहीं पता ये कितना चक्कर चल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जब एक था तो T2 या T1 से गुणा कर देते थे, लेकिन अब दो गियर हैं तो अगेन ये क्या हो जाएगा, T4 अपॉन T3 इंटू T2 अपॉन T1, पहले T2 अपॉन T1 ही था, अब T4 अपॉन T3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें जानना है कि जब ये एक चक्कर रोटेट हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, ये इसको रोटेट करा रहा है, ये एक चक्कर चला तो ये कितना हो रहा है, तो T2 अपॉन T1 का प्रोडक्ट और T4 अपॉन T3 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्रम के सरकमफ्रेंस में। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेग अनुपात, डिस्टेंस मोड बाई फुट अपॉन डिस्टेंस मोड बाई लोड, प्रयास द्वारा चली दूरी बटे भार द्वारा चली दूरी का अनुपात होता है वेग अनुपात, प्रयास द्वारा कितनी दूरी चल रहे हैं हम, पाई इंटू डी कह लीजिए, और भार द्वारा कितनी दूरी, पाई इंटू डी, T2 अपॉन T1 इंटू T4 अपॉन T3, दो गेयर्स हैं इसीलिए डबल विंच क्रैब, क्योंकि विंच क्रैब इसीलिए कह रहे हैं, मैं बताया था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेयर्स हैं, तो दो सेट हैं तो डबल,
क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, टी टू अपॉन टी वन इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री। जब इसको हम पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी अपॉन डी है, ये हो जाएगा टी वन टी थ्री, और जस्ट अ मोमेंट, टी टू अपॉन टी फोर टी वन इंटू टी थ्री। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, जस्ट अ मोमेंट मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ बच्चों, तो ये था वेलोसिटी रेशियो क्या, और डिस्टेंस मूव बाई फोर अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड, पाई से पाई कैंसिल आउट, डी अपॉन डी, टी टू अपॉन टी वन इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री। जब ये डिवाइड में है, डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी वन इंटू टी थ्री, यही चीज़ें मैंने लिखा है। हम जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी वन इंटू टी थ्री अपॉन टी टू इंटू टी फोर। देख लेते हैं इसको थोड़ा। अब मान लीजिए मशीन आइडियल है, तब क्या होगा आइडियल मशीन के लिए, तो आइडियल मशीन के लिए होता है, एक सेकेंड, हाँ आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100%, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी अपॉन डी, यही चीज़ें, टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी वन इंटू टी थ्री। जब ये ऊपर जाएगा तो डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये डी और स्मॉल डी ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं है, इसीलिए मैंने ई और एल कर रखा है यहाँ पर, डिस्टेंस मूव बाई फोर्ट, डिस्टेंस मूव बाई लोड। ये कैपिटल डी व्हील का डाया है और स्मॉल डी लोड ड्रम का डाया है। टी वन इंटू टी थ्री ऊपर चला जाएगा अपन टी टू इंटू टी फोर, ये हमें वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज डबल विंच क्रैब का मिल जाएगा। बच्चों का डिमांड था कि कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, मैं दे देता हूँ बच्चों को। चलिए, तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, तो हिंदी में मैं बोल देता हूँ, राइट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला, इफोर्ट और वेट, प्रयास और भार। बी, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशेंसी, वेग अनुपात, यांत्रिक लाभ और दक्षता। सी, लॉ ऑफ मशीन, मशीन का नियम। डी, एक्चुअल एंड आइडियल मशीन, वास्तविक और आदर्श मशीन। और ई, मशीन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर ऑल द सिस्टम ऑफ पुलिस, घिरनियों के तंत्र कितने हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, प्रथम घिरनी तंत्र को व्युत्पन्न कीजिए या सूत्र व्युत्पन्न करना उसका। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ, यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और दक्षता। निम्न का ज्ञात करें, पहला वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, वेस्टर्न की व्यासांतरी पुली घिरनी, वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी। सिंपल विन इलेक्शन, साधारण पहिया और धुरी, सिंपल स्क्रूजेक, साधारण स्क्रूजेक, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म और वॉर्म पहिया। क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला फॉर सिंगल परचेज विंच क्रैब। सिंगल परचेज विंच क्रैब का वेग अनुपात का सूत्र ज्ञात करें, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन को ऊपर करके फिर से पढ़ देता हूँ, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला फॉर सिंगल परचेज विंच क्रैब। सिंगल परचेज विंच क्रैब के लिए वेग अनुपात का सूत्र ज्ञात करें। तो बच्चों ये चार क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, जैसा कि मैं हर चैप्टर से चार पांच क्वेश्चन देता हूँ, इस चैप्टर से भी दे दिया हूँ। बीच में वीडियोस थोड़ा पॉज हो गया था, मैं उसको मर्ज करके अभी अपलोड कर दूंगा, और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। और मशीन का चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, सिलेबस मैंने देख लिया है और कुछ नहीं बचा आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। चलिए, बाय बच्चों, गुड नाइट।